हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 का हिंदी चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है कल्लू कुम्हार की उन्ना कोटी, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वो आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहब के सोहबत यानी संगति साथ में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, या तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। दरअसल उससे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायी शक्ति देने वाला पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल मतलब व्यवधान बाधा पड़ गया। मैं जागा एक ऐसी कान फाड़ू मतलब तेज आवाज जो कान को फाड़ दे, आवाज से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। गोया जर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो, खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महास्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। मैंने खिड़की के बाहर झांका, आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्त तो मतलब पागलों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित बिजली के अलावा जाड़े की आलस सुबह बहुत सुबह भोर का समय का ठंडा भूरा आकाश भी था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊना कोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक के 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। 33% यानी 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। यह 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब है। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से मात्र 2 किलोमीटर पर है। बांग्लादेश से लोगों का अवैध आवक आना आवक यानी आना यहाँ जबरदस्त है और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ के असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के साथ
शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण, यानी एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना, को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतीक मतलब नाटकीय रूप में बताना करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक है। एक है जो लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा पर शासन किया था। मान्य उसके बाद उसके मानिक वंश का दुखंत अंत ही कहेंगे। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्या तो पैदा हुई है, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहु धार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 और बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचार थल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मूध महा यानी बौद्ध हैं। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। दरअसल इस मंदिर का मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और तिली या मुरा कस्बे में पहुंची, जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक है और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। हेमंत को बारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है। जवानी के दिनों में वे पिप लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियार बंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह एक सीधा सादा खाना था, जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। भारत की मुख्य धारा में आई मुंह जोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती है और गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एक एसडी बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वो त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे। तिलिया मुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वे निरक्षर थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ जल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंट बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाना के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गए और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बना कर ले आए। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक किस्म की अछूत प्रथा वहां अब भी चलन में है। त्रिपुरा के हिंसा ग्रस्त मुख्य भाग में मैं प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव तिलिया मुरा ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले
83 किलोमीटर यानी मनु तक यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरबंदी में चलने वाले काफिलों के आगे आगे चलने दे। थोड़ी नानुपुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम भर करना होगा। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपने शूटिंग के काम में इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे है सीआरपीएफ के कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मारा डाला गया था। उसने कहा, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अब दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में से किसी जगह बंदूकें के लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मन्नू नदी के किनारे स्थित मन्नू एक छोटा कस्बा। जिस वक्त हम मन्नू नदी के पार जाने वाले फल पर पहुंचे, सूर्य मन्नू के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। वहां मैंने एक और काफिला देखा। एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर वह चला रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी से उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिलों को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीखी तैयार करना। अगरबत्तियां बनाने के लिए उन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले के मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वे तेज तरार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में, खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बरकस TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफी होती है। त्रिपुरा से TPS का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहाँ TPS की खेती की जाती थी। फिर जिलाधिकारी ने अचानक उसे पूछा कि आप उन्ना कोटिंग में शूटिंग करना पसंद करेंगे। यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। संसार के इस हिस्से में जहाँ युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शिव तीर्थ जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टिलिया मुरा से मनु तक यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को यदा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहां जाना चाहूंगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा।
अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ तक कि ऊना कोठी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचे, लेकिन 1 घंटा में इंतजार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती है। ऊना कोटी का मतलब है 1 कोटी यानी 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार ऊना कोटी में शिव की 1 कोटी से 1 कम मूर्तियां हैं। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों के अंदर से काट कर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनी है। एक विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक यानी पौराणिक कथा को विचित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटा में उलझा ले और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दे। शिव का चेहरा एक समुचित चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही सप्तदशा यानी प्रतीक शब्द के अनुसार देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कुल्लू कुम्हार था। यह पर्वती का भक्त था और शिव पर्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना जाता था। पर्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे 1 रात में शिव की 1 कोटी मूर्ति बनानी होगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गए, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियों 1 कोटी से 1 कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अरे शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कुल्लू कुमार को अपने मूर्तियों के साथ ऊना कोठी में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते समय शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊना कोठी में अचानक भयावना अंधकार छा गया, यानी भयानक अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी गिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर ऊना कोठी पहुंचा दिया था। बच्चों, कुल्लू कुमार के ऊना कोठी को हम संक्षिप्त में जानेंगे। कुल्लू कुमार के ऊना कोठी में लेखक के विक्रम सिंह ने अपनी यात्रा का वर्णन करा है। एक बार काम के सिलसिले में लेखक त्रिपुरा गए थे। वहां अपने कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा करी। ऊना कोठी उन स्थानों में से एक था। लेखक ने इस स्थान का विशेष रूप से वर्णन करा है और बताया है कि वहां शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। त्रिपुरा में कल्लू नामक एक कुम्हार रहता था। वो शिव जी के साथ रहना चाहता था। वहां शिव ने शर्त रखी कि उसे 1 रात में शिव जी की 1 करोड़ मूर्तियां बनाने होगी। कल्लू जानने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए तुरंत मूर्तियां बनाने लगा, परंतु 1 मूर्ति रह गई और सुबह हो गई, इसलिए वो शिव जी के साथ नहीं जा सका और वही रह गया। उसी के नाम से त्रिपुरा के उस स्थान का नाम ऊना कोठी पड़ा। ऊना कोठी का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम,
लेखक को यह स्थान बहुत रमणीय लगा। इस स्थान पर लेखक ने अपने कार्यक्रम की शूटिंग भी करी। इसके अतिरिक्त लेखक ने त्रिपुरा की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, वहाँ का जनजीवन और जनजातियों के बारे में बताया है। त्रिपुरा बहुत धार्मिक समाज का उदाहरण है। वहाँ पर लगातार बाहरी लोग आते रहे हैं। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। वहाँ विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में एक सुंदर बौद्ध मंदिर है। त्रिपुरा के 19 कबीलों में से चकमा और मधु महायानी बौद्ध है। यहाँ कबीले म्यांमार से आए थे। इस मंदिर का मुख्य बुद्ध की प्रतिमा 1930 में रंगून से लाई गई थी। टिलियामुरा में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषि दास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से हुई। त्रिपुरा में अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना और गले में पहनने की मलाएं बनाना आदि घरेलू उद्योग चलते हैं। बच्चों, हम कुल्लू कुमार के उन्ना कोटि के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला है, उन्ना कोटि का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर है, उन्ना कोटि का अर्थ है 1 करोड़ से कम। त्रिपुरा में एक जगह है उन्ना कोटि। इसके लिए एक दंत कथा है कि कल्लू नाम के एक कुम्हार ने शिव के साथ रहने की प्रार्थना की। शिव ने शर्त रखी कि यदि एक रात में वो शिव की 1 करोड़ मूर्ति बना देगा तो वो शिव पर्वती के साथ कैलाश पर्वत जा सकेगा। कल्लू ने मूर्तियां बनाई परंतु एक मूर्ति रह गई और सुबह हो गई, कल्लू वही रह गया, तब से इसका नाम उन्ना कोटि पड़ गया। दूसरा है, पाठ के संदर्भ में उन्ना कोटि में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर गंगा को पृथ्वी को उतारना पड़ा, परंतु गंगा का वेग इतना तेज था कि यदि वो सीधी उतरती तो पृथ्वी उसके वेग से धस जाती। इसलिए उसको रोकने के लिए शिव को तैयार किया गया कि वो गंगा को अपनी जटाओं पर उतारे ताकि उसका वेग कम हो जाए और वो धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे। तीसरा प्रश्न है, कुल्लू कुमार का नाम उन्ना कोटि से किस प्रकार जुड़ गया। उत्तर है, कहा जाता है कि कुल्लू कुमार के कारण ही इस स्थान का नाम उन्ना कोटि पड़ा। वो शिव पर्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, परंतु शिव ने एक शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की कोटि 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू कैलाश पर जाने की धुन से मूर्तियां बनाने में जुट गया, परंतु जब मूर्तियां गिनी गई तो एक मूर्ति कम थी। शिव को उसे छुड़ाने का बहाना मिल गया तथा कुल्लू कुमार वहीं रह गया। फोर्थ प्रश्न है, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है। उत्तर है, लेखक मन्नू में शूटिंग करने में व्यस्त था, तभी सीआरपीएफ के एक आदमी ने बताया कि निचली पहाड़ियों पर जहां 2 पत्थर पड़े वहां 2 दिन पहले एक जवान को विद्रोहियों ने मार डाला था। इसके इतने कहते ही लेखक इतना डर लगा कि जैसे कि उसके रीढ़ में एक झुरझुरी से दौड़ गई। फाइव प्रश्न है, त्रिपुरा बहुत धार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। उत्तर है, त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहे, इससे यह बहुत धार्मिक समाज का उदाहरण बना है। यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है। 6 प्रश्न है, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में इनका क्या योगदान था। उत्तर है, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषि दास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक हस्तियों से हुआ। मंजू ऋषि दास नागर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंट बिछाने के लिए कार्य किया था। 7 प्रश्न है, कैलाश नगर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। उत्तर है, जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में बताया कि आलू की बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है,
जबकि टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर होती है। अब त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात पड़ोसी राज्य और देशों को भी किया जा रहा है। एक प्रश्न है, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। उत्तर है, त्रिपुरा में अनेक घरेलू उद्योग चलते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना, गले में पहनने की मालाएं बनाना और बत्ती के लिए सीकों को तैयार किया जाता है। यह गुजरात और कर्नाटक में भेजी जाती है।